always remember one thing. Everybody is knowing the books. Everybody is knowing the material. Even then the result is different. So I remember one story, that is the story of India, the true story. तो एक कहानी आज आपको सुनाता हूँ इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास. मे बी इट कैन चेंज योर माइंड इन अ गुड मैनर. सो द स्टोरी इज ऑल अबाउट वन टाइम वन पर्सन वॉन्ट टू बिकम अ सेंट. एक विद्यार्थी सेंट बनना चाहता था. तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे एंड दे आर ज्वाइनिंग सम आचार्यज. तो उस समय टीचर मास्टर नहीं हुआ करते थे, आचार्यज हुआ करते थे. तो ही वेंट टू द आचार्य एंड ही से कि सर मुझे एक गुरु मंत्र चाहिए. मतलब उस समय अपने गुरु को गुरु ही बोलते थे. तो गुरुवर मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे मैं सब तालों की चाबी खोल दूं. तो सब तालों की चाबी चाहिए, इसका मतलब सब ताले मतलब इज नॉट फिजिकल ताला, दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ रहस्य इन दिस वर्ल्ड, शास्त्र बोलते थे पहले, उसका मैं सोल्यूशन निकाल दूं. तो ही सेड ओके आई कैन गिव यू बट यू शुड डू द वर्क हियर एंड वॉट एवर आई कैन टेल यू, आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी और जो जो मैं बोलूँ आपको करना पड़ेगा. उसने बोला बिल्कुल ठीक है गुरुजी, उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट मंत्र दूंगा. देन ही वर्क हार्ड बिलीविंग द गुरु लाइक एनी थिंग. और फिर वो वर्क करता रहा करता रहा करता रहा. एक साल बीत गया, डेढ़ साल बीत गया अपने गुरु के साथ. एंड देन इन लास्ट कि गुरु जी मुझे इतना समय हो गया, आपने मुझे अभी तक मंत्र नहीं दिया. देन वन नाइट गुरु वॉज प्लीज कम एंड ही सेड यू ऑलरेडी हैव दिस मंत्र, यू आर डूइंग एवरी डे, मैं फिर भी आपको कान में देता हूँ. उन्होंने कान में उसके बोल दिया ओम और बोला इसका उच्चारण करो और इसी से सब तालों की चाबी खुल जाएगी. तो ही स्टार्टेड चैंटिंग ओम ओम ओम. जब वो ओम बोला तो उसको पहले खुद से अच्छा लगा, फिर उसे लगा कोई और बोल रहा है. उसको लगा कि शायद मेरी आवाज आ रही है, हो मैंने मंत्र को सिद्ध कर लिया, आई एम अ ग्रेट पर्सन नाउ, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ. तो वो आसपास जाके देखता है कि सभी लोग ओम 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 बोल रहे हैं. बड़ा घबराता है, बड़ा पागल होता है. ही इज सेइंग कि ये क्या हो रहा है कि मेरे को जो मंत्र दिया है वो तो ये भी बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरे गुरु ने मेरे साथ छलावा कर दिया. मैंने तो कुछ अलग से मांगा था, इसलिए इतने सालों तक उनकी सेवा करी, उन्होंने कुछ अलग तो दिया नहीं मुझे. फिर वो फिर आगे जाते हैं. जब वो गुरु चेला फिर आगे जाता है इन सम अनदर हाउस, वहां पर फिर से कोई बोल रहा होता है ओम भिक्षाम दी, कहता है ये तो ओम ये भी बोल रहे हैं. फिर वो एक क्लासरूम के सामने से निकलता है, वहां पर सब लोग कुछ बोल रहे होते हैं और उसके बाद फिर ओम कह रहे होते हैं, ओम तथास्तु ओम विश्राम, कहते ये भी ओम बोल रहे हैं. मेरा गुरु तो बड़ा छलावी निकला, बड़ा कपटी निकला. उसने मुझसे एक डेढ़ साल सेवा करवा ली पूरी, सब कुछ मजे ले लिए, मेरा सेवा ले ली, सब कुछ ले लिया और मुझे आखिरी में एक चोरी करा हुआ मंत्र दिया है ओम जो सबके पास है. वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, कहता मैं तो यहाँ पर कुछ पाने आया था और मेरे गुरु ने मेरे साथ छलावा कर दिया और ये तो ओम हर आदमी बोल रहा है. वो निराश होके अपने गुरु के पास फिर जाता है और पूछता है गुरुजी ये ओम का मंत्र तो सबके पास है. तो वो समझ जाते हैं गुरुजी. गुरुजी बोलते हैं हाँ भाई मैंने भी तुम्हें ओम दिया, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे गुरु हैं जो सेम मंत्र अपने चेलों को देते हैं. तो मैंने तुमसे कोई छलावा नहीं किया, मंत्र तो गुप्त ही था, लेकिन और बहुत सारे लोग भी जो हैं जो मतलब चोरी करके मंत्र दे देते हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने शिष्यों को ये वाला मंत्र दे दिया. उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को भी ये शिकायत थी, तो मेरे गुरु ने मुझे कुछ दिया था, वो मैं तुम्हें देता हूँ. दो दिन बाद मैं तुम्हें एक और मंत्र दूंगा जो सिर्फ तुम्हारे पास होगा, किसी के पास नहीं होगा. वो बड़ा खुश हुआ. गुरु जी अंदर जाते हैं और वो एक पत्थर टाइप कुछ ले आते हैं और उसके हाथ में थमा देते हैं. कहते हैं जाओ बाजार में इसको बेच के आओ और सबसे अधिक मूल्य में बेचने की कोशिश करना, लेकिन बेचना मत, बस ये पूछ के आ जाना है कितने महंगा बिक सकता है और वापस ले आना. वो बड़ा खुश होता है कि पत्थरी तो बेचना है. वो चल जाता है, मार्केट में जाता है. सबसे पहले एक वेजिटेबल वाले के पास जाता है, कहता है भैया ये ले लो पत्थर. तो कहता है मैं इसका क्या करूंगा ब्राह्मण कुमार, चलो ठीक है मैं वजन तोलता हूँ, ये मेरे इस वजन के बराबर भी लग रहा है तो मैं ले लेता हूँ. एक पाव तुम कुछ भी ले लो, 250 ग्राम्स यू कैन टेक एनी वेजिटेबल. कहता बस, कहता हाँ और क्या करूंगा मैं. तो पहले ब्राह्मणों को आदर होता था, पूरे मार्केट में घूमता है, फिर दूसरे के पास जाता है. वो कहता भैया ये मेरे को पत्थर बेचना है. कहता ब्राह्मण कुमार सुबह सुबह मतलब क्या करने आ गए, पागल हो गए हो क्या, पत्थर में क्या करूंगा. वो कहता है कि कुछ तो कर लो. कहता है इस पत्थर की क्या वैल्यू है, तो ना फेंके फेंके बनेगा ना कुछ, मैं क्या करूंगा. वो फेंक देता उस पत्थर को. फिर वो भटकता हुआ उसके बाद जाता है जो
धारियां लगाता है औजारों में, वो कहता है ले लो, कहता है मेरे किस काम का, मैक्सिमम इससे मैं धार लगा सकता हूँ तो तुम लो एक अशर्फी ले लो, इससे ज्यादा मैं कुछ दे नहीं सकता। बड़ा निराश होता है। फिर वो जाता है, पहले नगरों में वैश्य खाने होते थे, दैट मीन्स द सेक्स प्रोस्टिट्यूशन केंद्र सेंटर्स, वहां जाता है उनसे कहता है, वो कहते हैं ब्राह्मण कुमार तुम्हारा मन तो नहीं मचल गया, तुम कहां पर आ गए? वो बोला नहीं नहीं मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, तुम्हारे पास देश विदेशों से व्यापारी आते हैं और तुम यहाँ के सबसे बड़ा वो हो जहाँ पर व्यापारी आके ठहरते हैं, तो आप मेरा पत्थर बिकवा सकती हो। तो वो कहती नहीं नहीं मैं ये सब काम नहीं करती, कुछ और चाहिए तो मुझे बोलो, लेकिन मैं पत्थर नहीं बेच सकती। बड़ा निराश, हारा थका, आखिर में सुनार की दुकान के पास जाता है। सुनार उस पत्थर को देखता है और बहुत देर देखने के बाद सदमे में आ जाता है। फिर वो बोलता है या तो तुम चोर हो या तुम कोई बहुत बड़े सिद्ध ब्राह्मण हो। वो कहता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहते बड़ा ये दुर्लभ पत्थर है, इसका जो मूल्य है वो मैं नहीं, जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर भी कोई नहीं दे सकता है। ये शायद किसी राजा ने तुम्हारे गुरु को खुश होकर दिया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या, कोई भी इस धरती पर इस पर्टिकुलर पत्थर का वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि ये इतना मूल्यवान है, इतना रेयर है। वो बड़ा सदमे में आ जाता है कि अभी तक तो लोग फेंक रहे थे और यहाँ तो एक अलग ही बात समझ में आई। वो अपने गुरु के पास लौट जाता है। गुरु के पास लौट जाने के बाद गुरु जी से कहता है कि गुरु जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और सीधा जौहरी के पास क्यों नहीं भेजा? तो गुरु जी कहते हैं यही जीवन का मंत्र है, ओम का मंत्र सबके पास है, लेकिन सबको उसको यूज करना नहीं आता है, सबको उसके मूल्य का नहीं पता है। इसी तरह से इस पत्थर का मूल्य गुप्त था और ये गुप्त मूल्य सिर्फ जौहरी को पता था और किसी को नहीं पता था। इसी तरह से ओम का जो गुप्त रहस्य है वो सिर्फ उन्हीं को पता है जो उसको सिद्ध करते हैं। तो इस स्टोरी का तात्पर्य लक्ष्मीकांत से लेकर एनसीईआरटी से लेकर न्यूज़पेपर सबके पास है, सबके पास ओम है, लेकिन वही उस रहस्य को खोज सकता है जो उसके साथ समय बिताता है, उसको सिद्ध करता है और उसके थ्रू आगे बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से तुम लोगों ने अपने इंटेलेक्चुअल से कुछ सीखा होगा जरूर। तो नेवर दैट इज अ फील कि आपका टीचर आपको नहीं सिखाता है या आपके पास चीजें नहीं है, चीजें वही हैं, लेकिन उसको उसके अंदर एक गुप्त मंत्र है जैसे इस स्टोरी के अंदर था। तो ये बिल्कुल सच कहानी है और ये एक बहुत बड़े सेंट की कहानी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस समय, एंड इट वॉज अ अल्ट्रा ट्रू दैट्स अ स्टोरी जो अक्सर स्कूलों में या टीचर्स या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में चला गया होगा।